नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। कोरोना के चलते लॉकडाउन की स्थिति लगातार बनी हुई है। ऐसे में लोग भूखे न रहें, जरूरतमंद लोगों तक लंगर पहुंचे, यही सोच करके शहर और गांव से लोग अपने खून पसीने की कमाई से जरूरतमंदों को लंगर भेजते हैं दान के रूप में। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी वजह से जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुँच पाता ये लंगर। ये सबसे पहले कतारों में खड़े होते हैं, बड़े बड़े डिब्बे ले घर ले जाते हैं और फिर रख देते हैं घर के किसी कोने में सूखने के लिए, यानी पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। वे वॉलेंटियर्स जो सुबह से लेकर के शाम तक लंगर बनाते हैं, पूरी श्रद्धा और जुनून से ये भोजन तैयार करते हैं, मगर उनको क्या पता कि ये खाना वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ पहुँचाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। ये लंगर सूखने के बाद जाता है कबाड़ी के पास और फिर इसे बेच दिया जाता है पशु चारा बनाने वाली टोलों पे या फूड बनाने वाली की उन फैक्ट्रियों तक पहुंचा दिया जाता है जो पशुओं के लिए फीड बनाती है। बताया जा रहा है कि ये 15 रुपए से लेकर के 25 किलोग्राम तक बिकता है। लोग अपने घरों से खुद भूखे रह कर अनाज का एक एक दाना जरूरतमंदों तक पहुँचा रहे हैं। अपनी जान को दांव पर लगा कर सेवा भाव के साथ एक लोग हालात को देख कर प्रशासन की भी मदद करना चाहते हैं और इसीलिए हर गांव से सुबह लस्सी और ढेरों रोटियां, बल्कि कई गांव में तो स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा लंगर भी बनाया जाता है और उसे फिर शहर पहुंचाया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों की सहायता की जा सके। लेकिन शहर में कुछ लोग इसे बेच देते हैं, गरीबों का निवाला खुद हजम कर जाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको इस खास वायरल वीडियो में। ये जी सिरसा हरियाणा, जो कि सेवादार रोटियां बनाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, शाम को 10 बजे घर बढ़ते हैं और उनकी जो रोटियां हैं वो कबाड़ी के पास है। ये देखो जी, दो बोरे भरे हुए हैं रोटियों के, जिनको आप अपने हाथों से घर दे के आते हो ना, ये रोटियाँ, ये पूरे 2 बोरे भरे हुए हैं जी। ये देखो, ये है सेवा। आज 24/4/2020। वाह जी वाह, गरीबों